आपके शोहर इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर क्यों? हसन ने किया क्या है? रेप किया उसने। हसन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप बेगुनाह हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। जान से मार दूंगा मैं उसे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारी खुशियों का कातिल हूं मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। मुझे लगता है हमें हसन भाई के लिए वकील से बात करनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, हसन को ये सब कुछ करते हुए जरा भी शर्म ना आए? हो सकता है हसन भाई भी कसूर हो। मेरा मतलब है, इतने अरसे से हसन भाई को जानते हैं, उनके बारे में कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर ये मत भूलो कि ये सब कुछ होते हुए भी उसने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है, और लड़की भी वो जो तुम्हारी सबका मंगेतर रह चुकी है। अभी बार बार ये बात याद दिलाना जरूरी नहीं है, और आप ये बात मत भूलें, आपका मकसद चंदा को हसन भाई की जिंदगी से निकालना है। आपका मकसद हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि हसन भाई आपकी जिंदगी से निकल जाए, और चंदा वैसे भी जेल जाके हसन भाई को अपने एतमाद और भरोसे का यकीन दिला के आएगी। और ये क्या क्या आएगी कि चंदा हसन भाई को जेल से निकलवाएगी, और अगर हसन भाई चंदा की वजह से जेल से बाहर आ गए तो वो एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो जाएंगे, और आपसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और शायद वो इस बार हमेशा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। मैं नहीं मानती ये सरासर इल्जाम है हसन पर। मैं हसन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा करना तो दूर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। इतना तो मैं भी जानती हूँ अम्मी कि हसन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो इस यकीन के साथ उन्हें भरोसा दिला के आई हूँ कि उन्हें जरूर रिहा करवाऊंगी, बेगुनाह साबित करवाऊंगी उन्हें मैं, इंशाल्लाह। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हसन मेरा शौहर है और उसे रिहा भी मैं ही करवाऊंगी। हसन चंदा का भी शौहर है, और तेरा मेरा करने से हकीकत बदलनी जाएगी। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हसन की रिहाई है, अगर तुम उसे रिहा करवाना चाहती तो करवा लो, हमें कोई इतराज नहीं है। वो तो मैं ही करवाऊंगी, और मुझे आपकी हदायत की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं और उमर आज ही वकील से बात करेंगे, जमानत हो जाएगी हसन की, 2 दिन में हसन घर पर आ जाएंगे। जो सब कुछ आप कह रही हैं इतना आसान नहीं करना, सबसे पहले हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसने हसन पर इल्जाम लगाया है। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अपनी औकात में रहो। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। पहले इसने सारी जिंदगी हसन की जिंदगी को अजाब बनाए रखा, और अब तुम्हारी जिंदगी। लेकिन मुझे इस अजाब में धकेलने वाली भी तो अम्मी आप खुद ही हैं।
اللہ قسم مجھے یہ سب دیکھ کر اتنی شرم آئی کیا بتاؤں ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور پھر وہ لڑکا غم غلط کرنے کے چکر میں شکیلہ بھابھی کو گلے لگا لیا اس ویل چیئر کی وجہ سے نام مرد بن کے رہ گیا اگر ان ٹانگوں کی بے بسی نہ ہوتی تو اب تک شکیلہ اور اس لڑکے کو اس بغیرتی کا مزہ چکھا چکا تھا چلیں خالد اٹھیں چلنے کی کوشش کریں بیساکھیوں کے سہارے ہی سے ہی آپ چلنے کے لائق تو ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں شکیلہ اسے سب برداشت نہیں ہوتا میں ویل چیئر پہ ٹھیک ہوں مگر خالد ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں تو ان بیساکھیوں کے سہارے چل سکتے ہیں بس شروع شروع میں تھوڑی تکلیف ہوگی پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ درد بھی ختم ہو جائے گا اصل بات کیوں نہیں کرتی کہ اگر میں چلنے کے قابل ہو گیا تو تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی نا اور جب تک میں اس ویل چیئر پہ بیٹھا رہوں گا تو تمہارے لیے تمہاری زندگی پر ایک بوجھ بنا رہوں گا یہی بات ہے نا نہیں خالد ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی آپ بآسانی کہیں آ جا سکتے ہیں مجھے کہیں آنا جانا نہیں ہے میں اس ویل چیئر پر ٹھیک ہوں مجھے اس چلنے کے پیچھے کتنی تکلیف اور کتنا درد اٹھانا پڑتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے میں پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں مجھ سے نہیں ہوتا مجھے اس ویل چیئر پہ بیٹھا رہنا تھا السلام علیکم امی امی شکیلہ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے ہسپتال سے گھر آ گئی ہے خیر تم بتاؤ حسن کی ضمانت کا کیا ہوا کب تک ہوگی امی ضمانت کا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی وکیل نے کہا ہے کہ حسن کی ضمانت کرنا بہت مشکل ہے لیکن بیٹا اب کیا ہوگا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا اسما آپ تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کریں گی مجھے کچھ کرنا پڑے گا تم کیا کرو گی بیٹا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا اب یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے ہم لوگ اچھا آپ اپنا خیال رکھیے گا میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں خدا حافظ خدا حافظ بہت زیادہ پریشان ہوں
और अगर ये परेशानी सारी उम्र की हुई तो? मेरा मतलब है कि हसन भाई का केस इतना आसान नहीं है और वकील ने कुछ खास उम्मीद भी नहीं दी। वकील ने उम्मीद नहीं दिलाई लेकिन अल्लाह की उम्मीद अभी बाकी है और मुझे इतना यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। और ये मेरा दिल कहता है कि हसन बेगुनाह है और मैं उनको बेगुनाह साबित करके रहूंगी और हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह कबूल भी नहीं किया जो इस रिश्ते का तकाजा है। मगर ये हकीकत है कि हसन मेरे शौहर है और मैं उनका साथ मरते दम तक दूंगी। जो चाहो मैनू सजा दे दो। अच्छा मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। बस अच्छा मुझे लगता है कि आपने दिल से मुझे बेटा नहीं माना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने अब तुम्हें दिल से बेटा माना है। बड़ी जल्दी रिश्ता बना लिया अब्बा जी। कल तक तो मैं आपका बेटा था, वो भी सगा वाला। सगे बेटे से ज्यादा मानते थे ना मुझे। फिर क्या हुआ? बेटे पे जैसे ही मुश्किल वक्त आया तो बेटा बदल लिया। मैंने तुम्हें सगा बेटा ही माना था लेकिन तुम इस काबिल नहीं थे। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया उसकी सजा पाने के बावजूद तुम्हें एहसास नहीं है। तुमने शकीला के साथ क्या किया? अच्छा, मैंने जो कुछ किया और आपकी बेटी ने जो कुछ किया वो हाँ उसके क्या हिसाब है? वाह अब्बा जी वाह, ये तो वो मिसाल हो गई कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। अपनी बेटी का गन छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी माजूरी के बहाने इस नौकरी के पीछे क्या हो रहा था। अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन ये किस्सा आज मैं खत्म ही कर दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। और तुम्हें भी। होश में तो हो खालिद, ये क्या कर रहे हो? खालिद गोली में चलाना, बेकरी गोली में चलाना। होश में तो हो? होश में तुम्हें अब आया हूं और अगर कोई बीच में आया तो मैं कसम खा रहा हूं मैं सबको उड़ा दूंगा, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, समझे तुम लोग? खालिद क्या कर? अगर मैं चाहूं तो अभी गोली चलाकर तुम्हें मार सकता हूं। नहीं फिरोज, गोली मत चलाना प्लीज। शकीला ठीक कह रही फिरोज बेटा, तुम्हें इस घटिया इंसान के खून से हाथ रखने की जरूरत नहीं है। अब्बास अब पुलिस को बुलाए, वही इसके देखेगी। अब शकीला ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही है तुम्हारे सामने, तुम सुन रही हो? नहीं इसकी जरूरत नहीं है। शकीला ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम इससे खुला लेने का फैसला कर चुकी हो, ये तो शौहर होने के काबिल ही नहीं है।
अरे मैं तो कहती हूँ धक्के मार कर इस शख्स को इस घर से निकालो, गलियों में रुलेगा फिरेगा ना तो फिर से पता चलेगा। तुम ये सब कुछ सुन भी कैसे सकती हो? कहाँ गए वो दावे वो वादे जो तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारने के किए थे, बोलो कहाँ वो? शकीला को उसके दावे और वादे याद दिलाने के बजाय एक नजर अपने ऊपर डालो। तुमने इस बिचारी के साथ क्या किया है? इसकी बहन पर पूरी नजर रखी, उसे अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, और इस बिचारी के साथ तुमने क्या किया? शक किया, हत्या के इसके बच्चे की जान भी ले ली। ये हम मियां बीवी का आपस का मसला है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। शकीला, शकीला मैंने जितने गुनाह किए उन सब की माफी मांगता हूं मैं तुमसे, मेरी तरफ देखो। शकीला प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरोज, तुम जाओ यहां से। शकीला, हमें आप खामोश रहे, मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूं। फिरोज, तुम जाओ यहां से। मैंने फैसला कर लिया है फायजा, मैं हसन सर से मिलने जेल में जाऊंगी अपने किए की माफी मांगने। क्या तुम हसन सर से मिलने जाओगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा हसन सर की मोहब्बत में। मगर क्या ऐसी होती है मोहब्बत? मैंने उनकी खुशियां उनसे छीन ली फायजा, उनकी जिंदगी उनसे छीन ली मैंने। मोहब्बत में तो लोग अपनी जान भी दे देते हैं, अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, और मैंने क्या किया? उनकी सारी खुशियां उनसे छीन ली। नहीं फायजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरी मोहब्बत के सारे दावे झूठे पड़ जाएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अनिला, और उनसे दोबारा मिलने का सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं अंकल और आंटी को सब कुछ बता दूंगी, और इसके बाद उनके सामने जो नदामत तुम्हें होगी उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें।